हाई एवरी वन वेलकम टू कारण क्रांस तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो हमारे लास्ट चैप्टर से विच इज़ योर फूड एंड पर्सनल हाइजीन तो मैं काफ़ी खुश हूँ क्योंकि आज आपका स्पेशलाइजेशन वाला जो सिलेबस है वो कम्प्लीट हो गया इसका जो यूनिट सिक्स हमारा रहता है उसके तीन पार्ट्स में मैंने स्कीम्स जो हैं वो प्रिपेयर की हैं टू आउट ऑफ थ्री पार्ट्स जो हैं वो ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप पर मैंने अपलोड कर दी हैं जल्दी मैं थर्ड पार्ट भी उसका अपलोड करूंगी तो आपको क्या करना है यू जस्ट हैव टू मेमोराइज दो स्कीम्स क्योंकि जो स्कीम्स है वो कम्प्लीटली फैक्ट बेस्ड है तो उस पर ये एक्सप्लेनेटरी वीडियोज लाने का कोई मतलब नहीं बनता आप वो स्कीम्स याद करोगे अच्छे से फिर उस पर मैं एम सी क्यू वीडियो लाऊंगी जिससे आपका रिविजन भी हो जाएगा स्कीम्स का एंड देन आपको थोड़ा आइडिया भी हो जाएगा एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके स्कीम वाले पोर्शन से ठीक है तो स्पेशलाइजेशन यहाँ खत्म होता है इसके बाद हमारी मैराथन सीरीज चलेगी मैराथन का हम रिविजन सीरीज जिसमें हम क्विकली रिवाइज करेंगे सारे यूनिट्स तो मैं कोशिश करूंगी एक वीडियो चाहे वो लंबा कितना भी हो जाए लेकिन एक वीडियो में आपका एक यूनिट कवर हो जाए ठीक है कोशिश मेरी वही रहेगी उसके बाद हमारी इस सीरीज के बाद फिर टेस्ट सीरीज या हमारा जो एम वाली सीरीज है वो चलेंगी हर चैप्टर पे मैं डिफरेंट डिफरेंट एम सी है वो लेके आऊंगी एंड वो वीडियोज से हम डिस्कस करेंगे फाइन और साथ साथ हमारा आप जी वाला कॉम्पोनेंट जो है वो कंटिन्यू रहेगा अब रेगुलरली हमारा जीके वाला कॉम्पोनेंट में कवर करूंगी अब देखो मुझे काफ़ी क्वेरीज आती थी बच्चे काफ़ी परेशान भी थे मैं सुनती भी थी ऐसी बातें कि ये सिलेबस वैसा है जो एक साल में भी कवर नहीं होगा ठीक है तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देना स्टूडेंट्स का काम नहीं होता है फाइन आपका काम है आपको सिलेबस मिला है अभी एग्जाम की डेट भी नहीं आई है पढ़ाई करना अब देखो डेढ़ महीना हो गया होगा मुझे ऑलमोस्ट ये कवर करते हुए आपका स्पेशलाइजेशन तो जिस स्टूडेंट ने स्टार्टिंग से अभी तक मेरे लेक्चर्स फॉलो किए पर डे एक लेक्चर ठीक है उतनी बड़ी कोई बात नहीं थी थर्टी फोर्टी मिनट्स का एक लेक्चर एक दिन के लिए ये आपका काम था तो जो रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं मेरे वीडियो ऐसे स्टूडेंट्स हैं वो इन टच भी है मेरे साथ तो उनका आज स्पेशलाइजेशन ओवर हो गया तो सिक्सटी आउट ऑफ कितने वन ट्वेंटी मार्क्स वाला पोर्शन जो है उनका कवर हो गया है अब इट विल रिक्वायर सम रिविजन एंड टेस्ट सीरीज बट कहने का ये मतलब है एटलीस्ट सिलेबस उनका इसका कंप्लीट हो गया कि उन्हें पढ़ लिया है एंड साथ में मैं स्टार्टिंग से अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ जो मेरे साथ कॉन्टेक्ट में है या मुझे मेल करते हैं सिलेबस वगैरह के रिगार्डिंग कि आप इसके साथ एक छोटा कॉम्पोनेंट जो है जरूर साथ चलाओ अब जिन्होंने इसके साथ इंग्लिश या साइंस वगैरह चलाया होगा तो उनके सिक्सटी टू एट्टी मार्क्स वाला पोर्शन जो है कवर हो गया होगा इस डेढ़ महीने में तो जब वन ट्वेंटी में से आप सी नंबर अस्सी मार्क्स या सत्तर मार्क्स दो महीने में कंप्लीट कर रहे हो तो कहाँ से इस सिलेबस को कंप्लीट करने में आपको एक साल लगता तो ये नेगेटिविटी ये नेगेटिविटी ये नेगेटिव वाइब्स और नेगेटिव एनर्जी जिन स्टूडेंट से फैलती है कि ये तो सिलेबस ऐसा है वो सालों तक कंप्लीट नहीं होगा ये गलत है उन स्टूडेंट्स पे ध्यान नहीं दो अपना टाइम वेस्ट मत करो अगर आप प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाओ कितना भी डिफिकल्ट सिलेबस हो आप विद इन टाइम फ्रेम एक एक टाइम फ्रेम के अंडर वो कंप्लीट कर सकते हो प्रोवाइडेड कि आप अपनी जो स्ट्रैटेजी है वो थोड़ी सही से बनाओ ठीक है तो यहाँ आपका हो जाएगा स्पेशलाइजेशन कंप्लीट हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक विदाउट मच डिले कोशिश करूंगी इसी वीडियो में आपका ये कवर हो जाएगा अब देखो फूड एंड पर्सनल हाइजीन ये क्या है बेसिकली ये आपके हाइजीन के रिलेटेड तो हम बोल सकते हैं फूड सेफ्टी एंड ऑल उसके रिलेटेड टॉपिक है तो इसमें आपको दो तरीके के टॉपिक्स मिलेंगे एक काफ़ी जेनरिक हैं जैसे क्या एडवांटेजेस हैं क्या डिसएडवांटेजेस हैं हमें कैसे फूड हाइजीन मेंटेन करना चाहिए क्या प्रैक्टिसेस हैं कि बाल नहीं गिरना चाहिए उनमें कोई हमें केमिकल अगर डाल रहे हैं तो वो कितना होना चाहिए ठीक है हमें कंटामिनेट नहीं करना है अपना फ़ूड केमिकल हमें यूज़ नहीं करने हैं ज़्यादा तो वो सारी चीजें उसपे एक तो जेनरिक क्वेश्चन बनते हैं फूड सेफ्टी एंड हैंडलिंग के वो क्वेश्चन जो आप अपनी कॉमन सेंस नॉलेज से भी सॉल्व कर सकते हो ठीक है ऑल मैंने वो भी स्लाइड्स में इंक्लूड किया है पर कहने का मतलब है ये लेक्चर आपको एंड तक देखना है क्योंकि इसमें काफी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे अगर वहां से क्वेश्चन आ गया वो आप ये वीडियो देखने के बगैर सॉल्व नहीं कर सकते हो कॉमन सेंस वाले क्वेश्चंस तो आप कर लोगे ना कि फूड को हम कैसे हाइजीन कैसे मेंटेन करेंगे चार ऑप्शंस दिए होंगे उसमें से एक ऑप्शन पिक करना कोई मुश्किल बात नहीं है लेकिन अगर आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन पे क्वेश्चन आ गया कि वो ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करती है तो फिर वो आपको ऐसे हैंडल करना नहीं आएगा जब तक आपने वीडियो पूरा नहीं देखा होगा तो आप ये वीडियो देखो और हम इसमें काफी इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन दे आर मेनी अपॉर्चुनिटीज अब होता क्या है बेसिकली फूड हाइजीन आपका फूड सेफ्टी मेंटेन करने का एक बहुत बड़ा पार्ट है कि आपका फूड जो है वो हाइजीनिक कंडीशन में हो ताकि वो फूड आप कंज्यूम कर सको और आपको कोई फूड बॉन इनलेस इलनेस ना हो जाए ठीक है आप बीमार ना पड़ो आपको जो फूड का सारा न्यूट्रिशन है प्रॉपरली मिले कंटेमिनेटेड ना हो आपका फूड ये सारी चीजें हम देखेंगे इस वाले टॉपिक में ये मेरा प्रोफाइल है वो आप यहाँ से देख सकते हो तो दे आर मेनी अपॉर्चुनिटीज़ फॉर फूड टू भी कंटेमिनेटेड बिटवीन प्रोडक्शन कंजम्पन अब देखो कंटामिनेट सिर्फ आपके घर पहुँच के नहीं होता कि आपने सब्जी पकाई उसके बाद फ्रिज में नहीं रखी बाहर रखी तो वो कंटेमिनेट हो गया कंटामिनेशन आपकी फार्मिंग से ही स्टार्ट हो जाती है कैसे कि कितना अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड आप यूज़ कर रहे हो इंसेक्टिसाइड कैसे यूज़ कर रहे हो क्या वो आपके फूड प्रोडक्शन चेन में घुस रहे हैं अगर आप एक रिकमेंडेड जितना भी होगा अमाउंट उससे ज़्यादा पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड वगैरह यूज़ करते हो तो वो आपके कहीं ना कहीं फ़ूड पे रह जाएगा एंड वो इस फूड प्रोडक्शन चेन में घुस जाता है फिर वो फूड जो है जैसे ही आगे आगे वाले प्रोसेस में चलता है उसकी प्रोसेसिंग होती है वो घरों में आता है कुकिंग वगैरह होती है तो क्या होता है वो फूड एक पूरा न्यूट्रिशियस जो होता है फॉर्म में आपके पास नहीं पहुंचता है वो एक डिग्रेडेड वैल्यू में आपके सामने आता है जिससे आपके बीमार होने के चांसेस है एंड उस फूड का आपको कोई खास फायदा भी नहीं होता ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हैं इवन ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन टू फूड स्टैब्लिसमेंट ट्रांसपोर्टेशन में कैसी हैंडलिंग हैंडलिंग आपको करनी है फूड की वो सारी चीजें भी आपके फूड सेफ्टी एंड कंट्रोल के अंडर आती हैं अगर आप पेरिशेबल फूड आइटम्स को ट्रांसपोर्ट करवा रहे हो फ्रूट्स को ट्रांसपोर्ट करवा रहे हो बड़ी लोकेशन पे तो आपको देखना है आप वो कैसे ट्रांसपोर्ट करोगे किस तरीके से ट्रांसपोर्ट करोगे आपको कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज होनी चाहिए ट्रांसपोर्ट करते टाइम ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी है ताकि आपको जो फूड है वो एक अच्छे प्रॉपर फॉर्म में प्रॉपर शक्ल में जो है अपनी एंड डेस्टिनेशन तक पहुंचे फाइनली जो फूड है कैन बी कंटेमिनेटेड ड्यूरिंग द लास्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन रिटेलिशमेंट जहां उनको बेचा जाता है या बाई कंज्यूमर्स इन होम्स। अगर आप तक साफ सेफ्टी पहुंचा है हाइजीनिक प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करके हो सकता है आपके बाद में घर में आने के बाद क्या हुआ वो कंटेमिनेट भी हो जाए तो बिल्कुल स्टार्टिंग आपके फार्मिंग जहाँ से स्टार्ट होती है क्रॉप ग्रो करना वहां से लेकर आपके कुकिंग तक जहां पर आप करते हो आपके प्लेट तक जब फूड आता है चांस होता है कहीं भी जो फूड है वो कंटामिनेट हो सकता है खराब हो सकता है इवन फूड इज परचेज फ्रॉम इंस्पेक्टेड एंड अप्रूव सोर्सेज इनग्रीडियंट्स में भी कंटामिनेटेड वन दे अराइव एट द फूड एस्टेब्लिशमेंट तो इंग्रीडियंट्स भी आपके कंटामिनेटेड हो सकते हैं ठीक है जैसे मैंने कहा फार्म से ही ये सारी चीजें जो है स्टार्ट हो जाती है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है देखना हमें कैसे हैंडल करना है इन इंग्रीडियंट्स को सेफली ठीक है बाद में प्रिपेयर फूड को इन सच ए मैनर जो रिड्यूस करेगा रिस्क ऑफ कंटामिनेटेड फूड बींग सर्व ये सारी चीजें हमें देखना जरूरी होता है पहले हम इसमें देखेंगे क्वालिटी करेगा क्वालिटी एंड सेफ्टी ऑफ द फूड स्टेप इन द फूड प्रोडक्शन चेन टू एंश्योर से रेगुलेटरी एंड कस्टमरी रिक्वायरमेंट्स क्वालिटी अश्योरेंस होता है ऐसे सारे वो रेगुलेशन वगैरह एंड कंप्लायंसेस फॉलो करना जो आपको वेरियस बॉडीज टाइम टू टाइम बताती हैं ताकि आपका जो फूड है उसकी क्वालिटी भी मेनटेन रहे एंड आपका जो फूड है वो सेफ भी रहे ठीक है वो चीज़ें वो वो स्टैंडर्ड्स फॉलो करना जो इन डिपार्टमेंट्स ने बनाई हुई हैं वो अश्योर करेगा कि आप जो फूड खा रहे हो वो क्वालिटी वाला है एंड सेफ़ फिट फॉर कंजम्पशन है हाइजीनिक कंडीशन में है कि नहीं फॉर एग्जांपल हमारे पास डिपार्टमेंट्स है जो ये इन्वेस्टिगेशन करते हैं फूड डिपार्टमेंट जैसे फूड इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट जो जाता है देखने के लिए रेस्टोरेंट्स वगैरह में कि हमारा जो फूड जस्ट तरीके से फूड प्रिपेयर हो रहा है वो कंडीशन हाइजीनिक है कि नहीं ठीक है तो ये सारा चीज़ें ये सारी चीज़ें किस में आती हैं क्वालिटी अश्योरेंस में जो अश्योर करेंगे कि आपके लिए कितने रेस्टोरेंट्स यहाँ भी सील होते पिछले दिनों में काफ़ी न्यूज़ भी आई थी पिछले दिनों में नहीं आई गेस्ट फ्यू मंथ्स बैक कि कोई रेस्टोरेंट वगैरह मुझे नाम याद नहीं किस जगह की थी कि उनको सील किया गया था क्योंकि बहुत ही बुर बुरी कंडीशन में वहां पर फूड प्रिपेयर हो रहा था तो ये सारी चीज़ें क्वालिटी अश्योरेंस के लिए इंपॉर्टेंट है वो किस पर डिपेंड करता है ऑन द स्टेप्स इन द फूड प्रोडक्शन चेन कि फूड प्रोडक्शन चेन में कितने सारे स्टेप्स हैं फार्मिंग से स्टार्ट हो फिर कहाँ पे आए ट्रांसपोर्टेशन हो जाए आपके घरों में आए ठीक है पहले मैन्युफैक्चरिंग uh, सेंटर्स में जाए वहाँ उनकी प्रोसेसिंग हो फिर कुकिंग हो आपके घर में तो कितने सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं वो भी बताएगा कि हमें कितना क्वालिटी अश्योरेंस पर ध्यान देना है आपका फूड बिजनेस कितना बड़ा है कौन सा फूड प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस कर रहे हो वो पेरिशेबल है नॉन पेरिशेबल है कौन सा फ़ूड आइटम है ठीक है तो इसमें आपकी आती है गुड हाइजीन प्रैक्टिसेस एंड आपका हिजार्ड एनालिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट सिस्टम्स एच एस सी सी पी बेस्ट सिस्टम्स ये सारी चीजें हमें आगे देखनी है जो मैंने कहा था क्वेश्चन अगर किस, कोई थोड़ा टिपिकल या टेक्निकल टर्मिनोलॉजी का आ जाए तो वो आपसे ऐसे सॉल्व नहीं होगा बाकी जो ये अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ इन सी चीजें हैं ये आई एम श्योर की आप ऐसे भी सॉल्व कर लोगे बिना पढ़े ठीक है तो मेंटेन करना फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी जो है ये एसेंशियल है एंटायर चेन ऑफ फूड प्रोडक्शन के लिए इसमें पहले प्राइमरी कहाँ से स्टार्ट होता है लेवल ऑफ फार्मर्स पे ठीक है फिर प्राइमरी फूड प्रोसेसिंग जो फार्म पे होती है डेयरी एबिटोर एंड ग्रेन मिल्स तो क्या होते हैं आपके स्लॉटर हाउसेज मीट प्रोसेसिंग प्लांट्स वगैरह भी बोलते हैं ठीक है आपके स्लॉटर हाउसेज वहां तो पे सेफ्टी एंश्योर करना सेकेंडरी फूड प्रोसेसिंग लेवल पे जहां पे कैनिंग फ्रीजिंग ड्राइंग वगैरह होती है फिर फूड डिस्ट्रीब्यूशन नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना फूड को फूड रिटेलिंग एंड फूड केटरिंग जहां पे आप फूड पकाते हो या रिटेल बेचना सेलिंग एंड बाइंग होती है फूड की या डोमेस्टिक लेवल घरों में जो आप प्रिपेयर करते हो फूड को ठीक है तो ये सारी चीज़ें कंट्रोल करना इनकी क्वालिटी इंड सेफ्टी अश्योर करवाना उसमें ये फूड प्रोडक्शन uh, में ये सारे जो प्रोसेस हैं ये सारी जो चेन है वो इन्वॉल्व होती है आपके प्राइमरी सेकेंडरी लेवल पे आपके बाइंग एंड सेलिंग पे आपके रेस्टोरेंट्स वगैरह एंड देन घरों में आप जो प्रिपेयर करते हो तो ये सारा इट फॉर्म्स अ चेन ऑफ योर फूड प्रोडक्शन ठीक है तो अनदर टर्म जो हम यूज करते हैं फॉर फूड सेफ्टी इज मेंटेनिंग अबाउट योर फूड हाइजीन फूड हाइजीन होता है कि वो सारे कंडीशन एंड मेजर्स जो हमें जरूरत होते हैं इंश्योर करने के लिए कि हमारा जो फूड है वो सेफ है कि नहीं ये देखना कि वो हर स्टेज पे सही से हो रहा है कि नहीं कि हर स्टेज पे आप इंश्योर करवा रहे हो कि नहीं फूड एक सेफ कंडीशन में प्रिपेयर हो रहा है हाइजीनिक कंडीशन में फूड प्रिपेयर हो रहा है चाहे वो आपके फार्म से रिलेटेड हो आपके बाद में रेस्टोरेंट से रिलेटेड हो या फाइनली आपके जो घर में प्रिपेयर होता है फूड उससे रिलेटेड हो उसको हम ओवरऑल कलेक्टिव टर्म में बोलते हैं फूड हाइजीन तो काफी जनरल सी इन्फॉर्मेशन अगर मैं यहाँ पे इंक्लूड नहीं भी करती तो भी आप एग्जाम में जो है आंसर सॉल्व कर पाते ठीक है अब यहाँ पे पहले देखते हैं ये हज़ार्स हैं एसोसिएटेड विद द फूड ये देख लेना एक बार ये डायग्राम इसमें कौन कौन से हज़ार जो है पोटेंशियल हेजार्स हमारे फूड जो है वो उसमें वो फेस कर सकता है वो हज़ार वो फिजिकल हो सकते हैं बायोलॉजिकल या केमिकल तो केमिकल फिजिकल हज़ार्ड भी हो सकता है आपका फूड फिजिकली भी स्पॉइल हो सकता है बायोलॉजिकली भी एंड केमिकली भी तो ग्लास हेयर मेटल स्टोन प्लास्टिक वगैरह ये सारे पीसेस उसमें जा सकते हैं आपके फ्रूट में माइक्रोबायोलॉजिकल पैथोजेनिक बैक्टीरिया पैरासाइट्स माइक्रोबायोलॉजिकलिकोटोजर्वरस ये अटैक कर सकते हैं कुछ टॉक्सिंस एंड कुछ केमिकल्स तो ये सारी चीजें आप देख लोगे फिर है आपका नेक्स्ट फॉलो द सिंपल रूल्स टू फॉलो दी सिंपल रूल्स टू कंट्रोल द क्वालिटी एंड सेफ्टी ऑफ योर फूड एक पहले मैं थोड़ा हटा देती हूँ ये कभी कभी मार्क हो जाती हैं स्लाइड्स Hmm. तो क्या स्टेप्स हमें लेने चाहिए टू कंट्रोल द क्वालिटी एंड द सेफ्टी ऑफ अ फूड कि पहले आइडेंटिफाई करो ऑल द स्टेप्स इन योर एक्टिविटीज विच आर क्रिटिकल टू फूड सेफ्टी फूड सेफ्टी के लिए क्या क्रिटिकल है कि जहां से फूड ग्रो हो रहा है वो प्रॉपर एक रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं कि उनको कितने पेस्टिसाइड्स यूज करने हैं उनको कितने इंसेक्टिसाइड यूज करने हैं कहीं वो इंसेक्टिसाइड डायरेक्टली तो नहीं आपके फूड आइटम पे फूड आर्टिकल पे स्प्रे कर रहे हैं फिर जो उनकी स्टोरेज है स्टोरेज कैसे आप कर रहे हो ट्रांसपोर्टेशन कैसे कर रहे हो रेस्टोरेंट्स में फूड को कैसे रखा है घर में कैसे प्रिपेयर कर रहे हो वो सारे देखना स्टेप्स जो हमारे क्रिटिकल होते हैं हमारी जो इंश्योर करता है कि हमारा फूड जो है वो सेफ है या नहीं ठीक है पुट करना फिर उन एडुकेट सेफ्टी कंट्रोल इन प्लेस दैट मीन वो सारे रेगुलेशन एंड नॉर्म्स बनाना जो बताएगा कि आपका फूड जो है वो सेफ एंड हाइजीनिक कंडीशन में रहता है तो इसके लिए कुछ हमारी रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं जो है काम करती हैं ट्रेन करना हमारे सारे जो हमारा स्टाफ है उसको फूड हाइजीन में जो फूड की हैंडलिंग करता है उसकी प्रोसेसिंग करता है कुकिंग करता है उन सब लोगों को बताना कि फूड हाइजीन क्या होता है कि हाथ धो पहले वो सारी चीज़ें रॉ एंड कुक्ड फूड्स को अलग रखो ठीक है एंड क्लीन करो इक्विपमेंट्स एंड यूटेंसिल्स को कीप कुक्ड एंड रॉ फूड सेपरेट वॉश सैलड्स थॉरली आपका जो डेट ऑफ मैन्युफैक्चर है वो जो आपका एक्सपायरी डेट है वो प्रॉपरली चेक करना फूड को प्रिपेयर हो यूज़ करने से पहले फूड को कवर रखो प्रॉपर्ली नेवर यूज़ रॉ एग्स इन फूड ठीक है रॉ एग्स जैसे मेयोनीज वगैरह बनाने के लिए हम कभी क्या करते हैं रॉ एग्स डाल देते हैं उसमें अगर आप घर में प्रिपेयर करोगे तो वो हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि रॉ एग में खासकर एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है सैलमोनिला तो वो क्या क्रिएट करता है जो फूड बॉर्न इलनेस वगैरह होते हैं इन बैक्टीरिया से हो जाती है तो हमें क्या करना चाहिए हमें पॉस्चराइज फॉर्म में इसको एग को यूज़ करना चाहिए उसका क्या मतलब हो उसको आप बॉयल करो थोड़ा कि वो अनकुकड ही रहे लेकिन एटलीस्ट वो जो बैक्टीरिया वगैरह है वो खत्म हुए हों थोड़ी देर उसको बॉइल करो कीप एनिमल्स आउट ऑफ फूड प्रिपरेशन एरियाज ठीक है थर्मोमीटर यूज करो टेम्परेचर मॉनिटर करने के लिए अगर आपको देखना है कि किस टेम्परेचर के बाद माइक्रोबिल एक्टिविटी हो जाएगी एंड उस थर्मोमीटर को फिर प्रॉपरली डिसइनफेक्ट करो कुक तो करो फूड को प्रॉपरली कितना टेम्परेचर तक सेवेंटी डिग्री सेल्सियस तक ठीक है फॉर टू मिनट्स तो ये एक टेम्परेचर लिमिट जो है वो सेट की गई है उसके बाद उसको सर्व करो अगर गर्म रखना है तो कीप फूड अबो सिक्सटी थ्री थ्री डिग्री सेल्सियस रीहीट करना है फूड को तो एटलीस्ट सेवेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस तक करो एंड रीहीट ओनली वंस बार बार खाना गर्म करने से सारे जो न्यूट्रंस वगैरह होते हैं वो खत्म हो जाते हैं वो सेफ नहीं रहते आपके कंजम्पन के लिए ऐसा बोला जाता है लेकिन हम घरों में ऐसा करते हैं एनश्योर एनी फूड रिक्वायरिंग रेफ्रिजरेशन इज केप्ट बिलो एट डिग्री सेल्सियस जिस भी खाने को रेफ्रिजरेशन की जरूरत है उसको एट डिग्री से नीचे रखो एट कहीं पे आपको ये टेम्परेचर एट मिलेगा कहीं पे आपको ये टेम्परेचर फाइव डिग्री सेल्सियस भी मिलेगा तो ये वेरी करता है डिपेंडिंग कि आपको आपका फूड आइटम क्या है जब फूड को पहले ही आपको प्रिपेयर करना है तो इन्श्योर इज को थोरोली कूल रैपिडली एंड देन इन द फ्रिज अगर आपको थोड़े टाइम के लिए फ्रिज में स्टोर करना है तो ये सारी स्टेप्स फॉलो करो एंड लेफ्ट ओवर फूड को अवॉइड करो ठीक है तो ये सारे जो है जेनरिक ये थे कॉमन सेंस बेस्ड पॉइंट्स थे लेकिन कुछ कुछ टेम्परेचर जहां पे वहां पे आपको ये टेम्परेचर्स याद रखने हैं टर्म हाइजीन मतलब क्लिनलीनेस आपको फूड हाइजीन मेंटेन करना है जब आप यही हाइजीन प्रैक्टिस जो है वो अपने फूड इंडस्ट्री फूड डिपार्टमेंट में फॉलो करते हो टू अचीव क्लीन प्रोडक्शन प्रिपरेशन हैंडलिंग प्रेजेंटेशन ऑफ फूड इसको हम तो क्या बोलते हैं फूड हाइजीन तो हाइजीन क्या करता है रिड्यूस करता है आपके डिजीज ट्रांसमिशन के लेवल्स इन अ प्रोडक्शन फैसिलिटी एंड बियॉन्ड एज इट इज अ साइंस डीलिंग विद द प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ थ्रू द प्रैक्टिस और द प्रिंसिपल्स ऑफ क्लीनलीनेस तो कुछ प्रैक्टिस आपको फॉलो करनी है क्लीननेस के लिए अपना फूड साफ रखने के लिए वो फिर जो डिजीज ट्रांसमिशन का लेवल है उससे काफी कम हो जाएगा अगर फूड जो है आपका प्रॉपरली क्या होगा आपने हाइजीनिक कंडीशन में उसको मेंटेन करके रखा होगा फूड हाइजीन में आपका प्रोडक्शन प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन ऑफ फूड दैट इज सेफ फॉर कंजम्पशन और वो गुड क्वालिटी का है वो सारी चीजें आती हैं इसमें सिर्फ प्रॉपर हैंडलिंग फूड की नहीं आती है लेकिन वो चीज़ें जो जल्दी खराब हो जाती हैं उनका केयर कैसे करना है ठीक है वराइटी ऑफ फूड स्टफ ड्रिंक एंड ऑल द यूटेंसिल्स एंड ऐपरेटर्स जो आप सारे यूज करते हो प्रिपरेशन सर्विस कंजम्पशन में वो सारी चीजें इसमें आती है फाइन इसमें सिर्फ आपके फूड स्टफ की हैंडलिंग नहीं आएगी आप जिन बर्तनों में पका रहे हो बर्तन साफ है कि नहीं वो भी इसमें आता है जो अब आपने पकाया है ठीक है अब जो खाना जल्दी खराब हो जाएगा जैसे बैक्टीरियल ग्रोथ माइक माइक्रोवियल ग्रोथ जल्दी हो जाती है उस खाने का आप प्रॉपरली केयर कर रहे हो कि नहीं एंड वो केयर कैसे करना है वो सारी चीज़ें जो है वो इसमें आती हैं एंड अगर आप नॉन वेजिटेरियन खा रहे हो जो एनिमल होस्ट है आपका जहां से आपको फूड मिल रहा है कि उसको कोई डिजीज तो नहीं थी उसमें कोई एंटीबायोटिक्स तो नहीं है वो सारी चीज़ें जो है आपके फूड सेफ्टी एंड हाइजीन का पार्ट बनती है तो हम बोल सकते हैं क्लीन फूड जो है काफी इंपॉर्टेंट है आपके सेफ फूड के लिए अगर आपका फूड क्लीन होगा तो ही वो आपके लिए सेफ होगा अब देखो पर्सनल हाइजीन हमारा टॉपिक क्या है फूड एंड हाइजीन पर्सनल हाइजीन दैट मीन्स फूड हाइजीन की भी बात होगी पर्सनल हाइजीन की भी बात होगी पर्सनल हाइजीन किन का होगा ऑब्वियसली उन लोगों का जो फूड हैंडलर्स होते हैं हमारे फूड सर्विस पर्सनल उनको बोलते हैं जो खाना पकाएंगे हैंडल करेंगे प्रोसेस करेंगे ठीक है बर्तन धोएंगे वो सारे लोग जो है वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं आपके फूड एक्टिविटीज में उनका हाइजीन मेंटेन करना टू एंश्योर सेफ्टी ऑफ द फूड वो आपके पर्सनल हाइजीन में आता है इट रेफर्स टू द क्लीनिनीस ऑफ ए पर्सन बॉडी एंड क्लोज कि वो खुद साफ़ है कि नहीं फ्री फ्रॉम डिजीजेस हैं कि नहीं कोई कम्युनिकेबल डिजीज तो नहीं है जो काम तो नहीं हुआ है कोई वायरस तो नहीं बॉडी में कैरी करे कोई ऐसे वायरस होते हैं जिनके सिम्टम्स ऑल दो खत्म हो गए हों कि आपको लगेगा बस अब मेरे में ऐसा कोई सिम्टम नहीं है तो वो खत्म होगी बीमारी लेकिन वो अभी भी एज कैरियर एक्ट करते हैं जैसे आपके हेपेटाइटिस वायरस किसी के अंदर अगर ये होगा तो ऑल दो सिम्टम खत्म हो जाएंगे उसको लगेगा वो ठीक हो गया लेकिन वो फिर भी एक्ट करेगा एज कैरियर तो ऐसे भी हमारे पास वायरसेस प्रेजेंट होते हैं फूड हाइजीन ऑफ द पर्सनल हाईजीन ऑफ द फूड सर्विस पर्सनल ये कौन से लोग होते हैं एम्प्लॉयड इन हैंडलिंग प्रोसेसिंग सर्विस एंड स्टोरेज वगैरह ये सारी चीजें तो इनको भी दे नीड टू भी हेल्थी एंड क्लीन टू प्रिपेयर सेफ फूड तो जहाँ पे काम करेंगे वो जगह भी सेफ होनी चाहिए ये खुद भी हेल्थी एंड क्लीन होने चाहिए ठीक है वो सारी चीजें इसमें आ गई एम्प्लॉयज हो आर इल शुड नॉट कम टू वर्क शुड नॉट टच द फूड और इक्विपमेंट एंड यूटेंसिल्स यूज टू प्रोसेस प्रिपेयर एंड सर्व फूड जनरल सी बात है पीपल जब रिकवर करते हैं डिजीजेस से उसके बाद भी दे कैन बिकम कैरियर्स ठीक है हेपेटाइटिस वायरस एंड सैलमोना बैक्टीरिया के ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर होंगे ये ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर होंगे वो लोग सिम्टम्स खत्म होने के बाद भी एस कैरियर एक्ट करते हैं एंड वो डिजीजे अपने साथ लेके आते हैं तो जब आपके फूड को टच करेंगे वो कंटामिनेट हो सकता है तो ये कोई डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं है लेकिन अगर आपके यहाँ कोई एम्प्लॉई है एंड वो बीमार है जब तक वो पूरा 110 एंड टेन परसेंट श्योर ना हो कि वो रिकवर हो गया है उसके बाद ही वो दोबारा काम पे आना चाहिए ताकि आपका जो फूड है वो सेफ रहे एंड आप भी सेफ रहो तो सोर्सेस क्या है माइक्रोबिल कंटेमिनेशन के हमारी ह्यूमन बॉडी में कहां, -कहां से माइक्रोबिल कंटेमिनेशन हो सकती है हमारे स्किन से हैंड से फैल सकती है फिंगर नेल से नोज माउथ एयर से मतलब खांसना छींकना ये सारी चीजें ठीक है या ज्वेलरी जो पहनी हुई है वो भी कंटेमिनेट हो सकती है परफ्यूम से हेयर से सिगरेट स्मोकिंग क्लोदिंग ये सारी चीजें जो है ये एक्ट करते हैं आपके सोर्सेज ऑफ माइक्रोबियल कंटामिनेशन यहां से आपके वायरस बैक्टीरिया वगैरह इन सारी चीजों से फैल सकते हैं तो ज्वेलरी का ध्यान देखना कहीं बनाते बनाते सब्जी में ना गिर जाए उन खासकर अगर वो कंटामिनेटेड भी हो वैसे एक तो हजार्डस है वो फिजिकल हजार्ड भी हो जाएगा एंड अनकंटामिनेटेड है तो आपका केमिकल हज़ार्ड बायोलॉजिकल हज़ार्ड भी हो जाएगा ठीक है बॉयल्स एंड कार्बनक वो किसी को फोड़े वगैरह ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स हु, हु, हुई होती हैं तो वो भी सोर्स ऑफ बैक्टीरिया होते हैं कट्स लगे होते हैं या इन्फेक्शन होता है किसी एक पार्ट पे एंड वहाँ पे माइक्रोबियल एक्टिविटी जो होती है बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन, बैक्टीरियल ग्रोथ वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है उस एरिया पे एंड वो उन्हीं हाथों से बिना उसको ट्रीट किए हुए कट्स एंड सेप्टिक वगैरह दैट मीन्स इन्फेक्शन को बिना ट्रीट किए आपका काम कर आपके लिए खाना बना रहा है तो प्रॉब्लम तो चांसेस हैं कि आपका फूड जो है वो सेफ ना हो फॉर योर कंजम्पशन ये सारी चीजें हैंड पिक्स अब बैक्टीरिया दे टच डर्टी इक्विपमेंट कंटेमिनेटेड फूड क्लोदिंग वगैरह डर्टी फिंगर नेल्स कैन ट्रांसफर मेनी पैथोजेनिक बैक्टीरिया तो बेसिकली आपको उनका जो पर्सनल हाइजीन है जो आपकी फूड की प्रोसेसिंग हैंडलिंग वगैरह करते हैं वो उस पर भी ध्यान देना है खांसी खांसी करने से छींकने से वो ड्रॉपलेट जो होते हैं वो आपके फूड में गिर सकते हैं उनके हाथों पर लग जाते हैं तो वहां से भी इंफेक्शन फैलता है अगर वो चुविंग ट जो होते हैं वो डिजायरेबल नहीं है उनसे खांसी वगैरह हो सकती है के वो गिर सकते हैं आपके आ, फूड में ठीक है कंटेमिनेटेड ज्यूलरी जो है देख कैन फॉल इन टू और कम इन टू कॉन्टैक्ट विदूड जो मैंने अभी कहा हेयर डैंड्रफ जो है वो भी कंटेमिनेट कर सकता है फूड को कभी हेयर फॉल कुछ हो गया फूड में या डैंड्रफ वगैरह आपके बालों से गिर के फूड में चला गया तो उसमें भी वो भी कंटामिनेट करते, है है, तो है, करते हैं आपके फूड को क्योंकि स्कैल्प में ऑफन कैरीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेशली आपका स्टेफिलो है ठीक है तो ये सारी चीज़ें जो है कंटामिनेट करती हैं आपके फूड को अब किचन के अंदर भी हमें फूड सेफ्टी मेंटेन करके रखनी है ताकि फूड जो है सेफ रहे और आपका हाइजीनिक कंडीशन में रहे तो इसमें फ्रेशनेस क्वालिटी क्वालिटी ऑफ पैकेज फूड्स दैट मीन जब हम खरीद रहे हैं सामान तब भी हमें काफ़ी चीज़ों का ध्यान देना है कि फ्रेश है या नहीं ठीक है एंड वो पैकेज सील है कि नहीं जो भी आप पैकेज फूड लेके आते हो घर में उसकी पैकिंग देखो वो सील्ड है कि नहीं प्रॉपरली तो वो सारी चीज़ों पे ध्यान देना रॉ मटीरियल्स को स्टोर करने के कुछ रूल्स हैं जैसे एफ आई एफ ओ दैट मीन जो आपने पहले डाला हुआ है रॉ मेटेरियल फ्रिज में पहले वही खत्म करो उसके बाद नेक्स्ट वाला आइटम या फर्स्ट एक्सपायर्ड फर्स्ट आउट जो पहले एक्सपायर हो गया उसको बाहर कर दो या सिक्स इंच अबोव द ग्राउंड जो है अपने फूड को रखो नीचे रखोगे तो वो जल्दी खराब हो जाएगा एंड देन उस पर वो कॉकरोचेस वगैरह एक्ट करने के चांसेस भी ज्यादा है वेज एंड नॉन को अलग रखो ऑल प्रोडक्ट्स को यूज करो ऑल प्रोडक्ट्स विद लेबल ऑफ एक्सपायरी डेट होने चाहिए आपको पता होना चाहिए हर जो फूड है आपके किचन में वो कब एक्सपायर हो रहा है उनकी डिलीवरी डेट कोल्ड स्टोरेज एट फाइव डिग्री सेल्सियस मैंने कहा कहीं पे एट होगा कहीं पे फाइव होगा ठीक है जिनको चिल करने की जरूरत है उस फूड को एंड जिनको फ्रीज करने की जरूरत है उनको माइनस एटीन डिग्री सेल्सियस टू माइनस ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हम यूज करते हैं फिर प्रिपरेशन ऑफ रॉ मटेरियल जनरल की जब आप रॉम प्रिपेयर कर रहे हो कुछ पका रहे हो आप कुछ भी तो आप क्या करोगे सिर्फ जो ह्यूमन फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन वाटर होता है जिसको हम पोर्टेबल वाटर बोलते हैं वो यूज करो बाद में सॉर्टिंग और क्लीनिंग के लिए भी यूज पोर्टेबल वाटर जो रेडी टू एड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं उनको डिसइनफेक्ट किया गया होता है विद क्लोरीनेटेड वॉटर क्लोरीनेटेड वाटर को हमें बाकी चीजों के लिए यूज फिर नहीं करना चाहिए ठीक है क्लोरीनेटेड वाटर वो क्लोरिन टैबलेट्स डालते हैं पहले उस वाटर में उसको डिसइनफेक्ट करने के लिए बाद में वो यूज करते हैं कुकिंग इन प्रोसेस में टेम्परेचर शुड रीच सेवेंटी डिग्री सेल्सियस ठीक है यूज ऑफ फिंगर्स और सेम स्पून टू टेस्ट वो नहीं करना चाहिए डोंट ग्लो ओवर योर हॉट फूड उससे भी फूड जो कंटेमिनेट हो सकता है मुँह से बैक्टीरिया वगैरह कभी उसमें फूड में जा सकते हैं कोल्ड फूड की स्टोरेज फाइव डिग्री सेल्सियस जो मैंने आपको पहले बोला एट टू फाइव ठीक है और बिलो हॉट फूड्स की 60 डिग्री सेल्सियस प्रिपरेशन ऑफ कुक्ड फूड जो है बिफोर सर्विंग कब तक होना चाहिए 70 डिग्री सेल्सियस तक और जो आपके पास रेडी टू ईट टाइप का फूड आता है दैट शुड बी यूज विद इन फोर आवर्स ऑफ इट्स अराइवल तो जनरल सी बात है कहाँ कहीं कहीं पर टेम्परेचर टाइम थोड़ा लिखा है वो आप देख लेना तो हमें ड्राई फूड जो है हमें उसको ड्राई इंग्रेडिएंट्स को कैसे सेव करना है जिसमें आपके सीरियल्स पल्सेस वगैरह आते हैं तो जिस रूम में करोगे वो वेंटिलेटेड होना चाहिए कूल रूम होना चाहिए वहाँ ज़्यादा ह्यूमिडिटी और हाई टेम्परेचर नहीं होना चाहिए फूड जो दो तीन दिन दिनों में आपका खत्म होना चाहिए जैसे आपके बेकरी प्रोडक्ट्स हो गए ब्रेड्स वगैरह हो गए उनका टेम्परेचर टेन टू फिफ्टीन पॉइंट फाइव डिग्री सेल्सियस होना चाहिए ठीक है जो नॉन पेरिशेबल्स हैं उनको यूज़ करना चाहिए उनको जार्स में रखना चाहिए एयर टाइट वाले जैसे आपके अगेन आपकी दालें वगैरह काफी टाइम तक सेव रहती हैं तो उनको हम यूजुअली एयर टाइट में सेव करते हैं या आपके बिस्किट्स वगैरह वो भी आप एयर टाइट में सेव कर सकते हो फिर लो टेम्परेचर स्टोरेज ये भी इंपॉर्टेंट चीज है जिनको रेफ्रिजरेट में स्टोर करना फ्रिज में स्टोर करना होता है तो टेम्परेचर बिटवीन जीरो टू तो टेन डिग्री सेल्सियस दिस इज ने फॉर पेरिशेबल लाइक प्रोडक्ट लेफ्ट फूड की जीरो टू टेन उससे ज्यादा टेम्परेचर नहीं जाना चाहिए फ्रीजर स्टोरेज है मैंने कहा माइनस एटीन टू माइनस ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस और जो मीट पोल्ट्री फ्रोजन वेजेस आइसक्रीम्स वगैरह है उनको फ्रोजन कंडीशन में सेव करना चाहिए उनको वो फ्रीजर लाना चाहिए उनके लिए जो इस टेम्परेचर तक आपका जा सके और फूड को फ्रीज कर सके फिर गुड हाइजीन प्रैक्टिस क्या क्या है ये भी बहुत सिंपल है कि वही हाथ दो जो भी आपके एक्सपोज बॉडी पार्ट्स हैं वो क्लीन होने चाहिए बॉयल्स कट सेप्टिक स्पॉट्स जो हैं उन पे वाटर प्रूफ ड्रेसिंग्स होनी चाहिए क्योंकि वहाँ पे मेरा अभी का बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन हो जाती है एंड उन्हीं हाथों से अगर वो खाना आपका हैंडल वगैरह करेंगे तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा साबुन से अच्छे से हाथ दो ताकि आपके जो जर्म्स वगैरह हैं हाथ पे ख़त्म हो जाए ये सारी चीज़ें फ्रीक्वेंटली वॉश करो अपने हैंड्स को ठीक है अगर आपने कोई डर्टी इक्विपमेंट पकड़ा है या फूड कंटेमिनेट हो गया है या क्लोदिंग सही नहीं है तो उन सारी चीज़ों को आप सही करो पहले फूड हैंडलर्स मस्ट वॉश डे हैंड्स रेगुलरली इन सब चीज़ों के बाद अपने जो हैंड्स है वो दो आफ्टर गोइंग टू टॉयलेट या फूड प्रोसेसिंग प्रिपरेशन एरिया में काम करने के बाद हैंडलिंग रॉ एंड कुक्ड फूड अपने रॉ फूड को टच किया ठीक है फिर पहले हाथ धो उसके बाद कुक्ड फूड पे आओ आफ्टर कॉम्बिंग और टचिंग योर हेयर आफ्टर ईटिंग स्मोकिंग कफिंग और ब्लोइंग द नोज हाथ दो हैंडलिंग करो फूड वेस्ट की और रिफ्यूज आप हैंडलिंग वेस्ट फूड और रिफ्यूज फूड जो होगा उसको कहीं पे डिस्पोज ऑफ करने के बाद अपने हाथ दो आप हैंडलिंग क्लीनिंग एंड केमिकल्स अपने हाथ दो तो ये बिल्कुल बेसिक्स बातें हैं अब हमारा जो काम है जो मैंने आपको कहा थोड़ा टेक्निकल एस्पेक्ट आपको देखना है अभी तक जो हमने पढ़ा वहाँ से क्वेश्चन आता तो आप वो ऑलमोस्ट जो है मेरी अंडरस्टैंडिंग uh, के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व कर पाते कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन से अब यहाँ से कुछ थोड़ा स्टार्ट हो जाएगा टेक्निकल आस्पेक्ट अब आप इस पर ध्यान देना एफ एस एस ए आई जो है ये स्टैब्लिश हुआ था अंडर योर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट टू थाउजेंड सिक्स ये हमने पहले भी पढ़ा है आई के फूड प्रोसेसिंग वाले चैप्टर में ये आता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर ठीक है एंड इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग एंड प्रमोटिंग पब्लिक हेल्थ कैसे थ्रू रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ फूड सेफ्टी और ये किस पे बिलीव करता है वन नेशन वन लॉ दैट मीन्स इसने एक लॉ जो है सेम रेगुलेशन जो है थ्रू आउट द कंट्री चलाता है ये एंड इसको फूड इंटीग्रेशन प्रोवाइड किया है इसने लॉ के फॉर्म में पूरे कंट्री को कि सेम रेगुलेशन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग पूरी कंट्री को चला रहा है तो वन नेशन वन फूड लॉ याद रख लेना किसके अंडर आता है किस एक्ट में बना था एंड करता के सुपरवाइज करता है और रेगुलेट करता है दैट कुछ स्टैंडर्ड्स वगैरह देखेगा एंड वो सही से चल रही है कि नहीं वो चीज सुपरवाइज करेगा ठीक है आपके आ, प्रमोट करने के लिए पब्लिक हेल्थ को और एंश्योर करने के लिए फूड सेफ्टी को तो मेन गोल है इसका मैन्युफैक्चर स्टोरेज डिस्ट्रीब्यूशन सेल एंड इंपोर्ट ऑफ फूड फैसिलिटेट करने के लिए फूड सेफ्टी ठीक है कभी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है ना कि जो एफ एस है वो मैन्युफैक्चर स्टोरेज डिस्ट्रीब्यूशन के साथ रिलेटेड है लेकिन सेल एंड इंपोर्ट ऑफ फूड तो सेल एंड इंपोर्ट ऑफ फूड के साथ रिलेटेड नहीं है या इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो एफ एस नहीं करता है ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो है यहां से बनने के चांसेस होते हैं अभी एक्ट एक्ट देख लो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स 2006 इसके बाद हमारी गाइडलाइंस एक बार आई थी 2011 में ठीक है तो ये दोनों जो है ऑलमोस्ट साथ साथ जो है वो काम करते हैं जैसे इस एक्ट में क्या लिखा गया है अब आप क्या करोगे ऑल ये जो पीडीएफ है मुझे ऐसे फॉर्मेट में ही बनाना पड़ता है थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ती है आप कोशिश करो रिटर्न फॉर्मेट में अपने नोट्स बनाने की मैं हमेशा आपको बोलती हूँ नोट्स जो है लिखो खुद लिखो दिमाग से हाथ से दिमाग में चीज़ें जा, जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं तो जो जो मैंने रेड पोर्शन इसका किया हुआ है सिर्फ आप वही पोर्शन अपने नोट्स में लिखोगे तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग ऐसा कोई फूड एडिटिव एंड प्रोसेसिंग एड जो है हमें अपने फूड में नहीं डालना है जो दो जो रेगुलेशन आई थी उनके अगेंस्ट है ठीक है एंड कोई भी कंटेमेंट या नेचुरली ऑक्रिंग टॉक्सिक सब्सटेंस जो है वो उस क्वांटिटी का नहीं होना चाहिए जिस क्वांटिटी का हमें वो उस क्वांटिटी का ही होना चाहिए जितना हमें 2011 की रेगुलेशंस में स्पेसिफाई किया गया है ठीक है और इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स वगैरह जो भी आप यूज करो वेटेरी ड्रग्स वो भी उसी लिमिट के होने चाहिए जितने रेगुलेशन में स्पेसिफाई किए हुए हैं तो ये बस आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए कि ये एक्ट जो है ये किस किस चीज़ को लेके बोलता है कंटेमिनेट्स की बात हुई है फूड एडिटर्व की हुई है इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड ये सारी चीजें आपको याद रखनी है एंड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कोई इंसेक्टिसाइड को आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते ऑन द आर्टिकल ऑफ फूड एक्सेप्ट कौन से जो रजिस्टर हुए हैं अंडर योर इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968 ठीक है कोई भी इंसान ऐसे किसी भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग या लेबलिंग जिसकी नहीं हुई हो अकॉर्डिंग टू दी 2011 थाउजेंड मतलब 2011 की रेगुलेशन में जो मार्किंग एंड लेबलिंग के बारे में बोला गया है जो फूड प्रोडक्ट इसको फॉलो नहीं करता है आपको उसकी सेल में डिस्ट्रीब्यूशन में मैनुफैक्चर में इन्वॉल्व नहीं होना है जो फूड बिजनेस ऑपरेटर है वो एंश्योर करेगा कि जो आपका जो जो प्रोडक्ट बना रहा है उस पर लेबलिंग प्रेजेंटेशन जो होती है वो सारी सही है कि नहीं ठीक है इंक्लूडिंग शेप अपेयरेंस पैकेजिंग द पैकेजिंग मटीरियल वो सारी वैसी ही है जैसी एक्चुअल में यूज हुई है और आप मिसलीड नहीं कर रहे हो अपने कस्टमर को ऐसा नहीं हो कि इंग्रीडियंट्स कुछ और है ना आप कुछ और बोल रहे हो एंड कोई एडवर्टीजमेंट ऐसी नहीं बननी चाहिए जिससे जो फूड uh, की कोई भी ऐसी एडवर्टीजमेंट नहीं होनी चाहिए जो मिसलीड करे आपके कस्टमर्स को या इस प्रोविजन जो आपका एफ एस एस एक्ट है इसके अगेंस्ट जाता हो ठीक है ऐसी कोई एडवर्टीजमेंट नहीं होनी चाहिए तो ऐसा क्वेश्चन बनता है कि इंसेक्ट insect, इंसेक्टिसाइड्स की बात हुई है इसमें बिजनेस ऑपरेटर्स के लिए बात हुई है इसमें बात हुई है ठीक है तो ऐसे ऐसे करके आप कोई क्लियर चीजें रिवाइज करोगे और अपने नोट्स में अपने हैंड रिटन नोट्स में लिखोगे फिर फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट टू इसके अंडर के कुछ कंप्लायंसेस कि जितने भी फूड वेंडर्स हैं उनको लाइसेंस लेना इंपॉर्टेंट है कॉर्पोरेट कैंटीन एंड कैफेटेरिया जो है उनको अपना आप रजिस्टर करवाना होगा एडॉप्ट करो एक फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम प्लान इसके अंडर फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम प्लान क्या होता है बेसिकली ये इंश्योर करता है मैन्युफैक्चर स्टोरेज डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ सेफ फूड कि जो फूड है वो आपका सेफ है कि नहीं सेफ फूड की मैन्युफैक्चर स्टोरेज डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल हो रही है ठीक है वो ये देखता है अब इसके कुछ की एलिमेंट्स हैं वो हमें आगे देखने हैं इसमें क्या क्या आता है वो हम आगे देखेंगे पहले देखो पोर्टेबल वाटर को यूज करो एंड सारी चीजें जो है वो डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए अगर कहीं पे आ, कोई आ, किसी रेस्टोरेंट में जाती है टीम ये करने के लिए सुपरविजन वाली टीम जाती है रेस्टोरेंट में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सही से हो रहा है कि नहीं देन उनको वहां पे एक रिटर्न फॉर्मेट में होना चाहिए कि वो किस कौन से जो डिश है उसमें रिक्वायर्ड आइटम्स जो है वो अंडर रेगुलेशन यूज कर रहे हैं कि नहीं जो सेफ्टी स्टैंडर्ड यूज कर रहे हैं वो एज पर मेजर्स है कि नहीं तो ये सारी चीजें रिटर्न फॉर्मेट में होनी चाहिए या कोई प्रोडक्ट अगर बना रहे हैं फॉर एग्जाम्पल पतंजलि वहां पे अगर रेड हो जाती है तो मुंह से थोड़ी बोलेंगे कि मैं ये करता हूँ ये करता हूँ उनको रिटर्न फॉर्मेट में होनी चाहिए कि जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो क्या है पेस्टिसाइड अगर उन्हें पेस्टिसाइड्स तो क्या है? अगर वो कोई भी ऐसे केमिकल्स यूज कर रहे हैं एडिटिव यूज कर रहे हैं ठीक है ठीके? तो ये सारी चीजें विद इन प्रेस्क्राइब जो आपके रेगुलेशन है उसके अंडर आते हैं कि नहीं ये सारी चीजें एक डॉक्यूमेंटेड रिटर्न फॉर्मेट में होना जरूरी है अब मैंने आपको कहा था जो एफ एस एम एस सिस्टम है फूड सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान इसके अंडर कुछ की पॉइंट्स आते हैं जो हम यहाँ देखेंगे तो उसके अंडर क्या क्या आता है आपका फूड सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान के अंडर एक आपका आता है एच एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट ठीक है तो बेसिकली ये क्या करता है ये देखता है एंट्री ऑफ पैथोजन पैथोजन आपके बैक्टीरिया वायरसेस वगैरह इन ए फूड चेन टू अवॉइड फूड सेफ्टी प्रॉब्लम्स ठीक है किससे रिलेटेड है फूड सेफ्टी से कि फूड सेफ्टी जो है आपकी वो बनी रहे ठीक है वो डिस्टर्ब ना हो वो कैसे डिस्टर्ब नहीं होगी अगर कोई पैथोजन आपके फूड चेन में नहीं आएगा राइट right फ्रॉम आपके फील्ड में जब प्रोडक्शन हो रही होती है जब ग्रोइंग हो रही होती है क्रॉप्स के वहां से वो देखना कि आपके फूड चेन में कोई ऐसी चीज ना आ जाए जिससे आपके फूड की सेफ्टी खतरे में पड़ती है वो किसका काम है आपके एच जो है ये एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट है कुछ ठीक है दे फो इट हैज बिकम द इन इंटरनेशनली रिक्नाइज सिस्टम टू अश्योर सेफ फूड प्रोडक्शन जब आप पूरे फूड चेन में देखोगे की कहीं पे आपका कोई पैथोजन एंटर ना हो दैट मीन्स आप एंश्योर करते हो कि फूड जो है आपका वो सेफली प्रोड्यूस हो रहा है सेफली बन रहा है कि नहीं ठीक है तो इसके सेवन प्रिंसिपल्स हैं जो हम यहाँ पे जल्दी से देखेंगे कंडक्ट अ हजार्ड एनालिसिस हजार एनालिसिस में क्या होगा पहले हम देखेंगे, हम देखेंगे हमारा फूड जो है उसमें फिजिकल हजार्ड होने के चांसेस कितने हैं केमिकल हजार्ड होने के एंड बायोलॉजिकल हजार्ड होने के ये अगेन रिकॉल करो ये हमने फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल हजार्ड मैंने ऊपर वाली स्लाइड में आपको कहा था तो वो सारे पॉइंट्स एक एनालिसिस करना कि आपका जो फूड है उसमें ये सारे हजार्ड होने के कितने चांसेस हैं फिर डिटरमिन करना कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं जहां पे ये देखना फूड के आपकी हैंडलिंग सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम्पल आपकी प्रोडक्शन में आप पेस्टिसाइड स्प्रे कर रहे हो आप कितने पेस्टिसाइड स्प्रे कर रहे हो ठीक है आप ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो आप किन कंडीशन में ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो या जहां पे खाना बन रहा है कुकिंग ये सारी चीजें जहां पे फूड के डिस्ट्रॉय होने के चांसेस ज्यादा है या जहां सेफ्टी का हमें ज्यादा ध्यान रखना है इनको हम बोलते हैं कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स है और उन क्रिटिकल की कुकिंग करनी है अगर ज्यादा करोगे तो आपको एग्जांपल तो 70 डिग्री सेल्सियस जब मैंने हमने पीछे पढ़ा कि आपको इतना तक अपना फूड हीट करना है इसके आगे जाओगे तो न्यूट्रिएंट डिस्ट्रॉय हो जाएंगे फूड उतना सेफ नहीं रहेगा फाइन तो इनको हम बोलते हैं क्रिटिकल <coughs> इनको हम बोलते हैं क्रिटिकल लिमिट्स ये

फिर इस्टिश करेक्टिव एक्शन वही चीज होगी जो आप डिविएट हो रहे हो उनको आप कैसे करके जो है वो वो कर सकते हो उन चीजों को को सारे यहां पे लेना उस लिमिट करना फिर लेनाब्लिश वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स यहाँ पे क्या होगा आपका जो फूड है उसके सैंपल की टेस्टिंग करो पहले लैब में बेच उसको टेस्ट करो कि वो फिट है आप कंजाम के लिए कि नहीं रिव्यू करो सारे प्रोसीजर को ऑडिटिंग करो ये सारी चीजें किस में आएंगी वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स में एंड स्टैब्लिड रिकॉर्ड कीपिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर्स जो आपने सारा लिखा अभी तक किया है वो एक रिटन फॉर्मेट में आपके पास प्रेजेंट होना चाहिए कि कभी भी कोई ऑथराइज बॉडी आएगी यू शुड बी रेडी विद ऑल द डॉक्यूमेंट्स की हाँ मैंने ये काम जो ये है ये सेफ्टी रेगुलेशन जो है वो सारी प्रॉपरली फॉलो करी है फिर फॉलोइंग फॉलोइंगी रिक्वेजेड प्रोग्राम एच एसीपी के साथ साथ या बेसिकली उससे पहले भी कोई और फूड प्रोग्राम हमारे प्री रिक्वेजेड प्रोग्राम्स हैं जनरल प्रिंसिपल हैं जो हमें हेल्प करते हैं इंश्योर करने के लिए फूड सेफ्टी एंड फूड हाइजीन वो क्या क्या है वो ये सारे हैं ये हम आगे देखेंगे अब क्या क्या है एक है आपका गैप गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस तो ये है इनिशिएटिव आपके एफ एओ का ठीक है तो ये क्या कहता है ये सेट करता है रेगुलेशन फॉर ऑल द प्लेयर्स इन द फूड चेन और लॉजिक इसके पीछे क्या है फ्रॉम फूड टू टेबल दैट मीन प्रोडक्शन से टेबल तक लेके जो भी सारा इसमें लोग इन्वॉल्व हैं प्रोसेस इन्वॉल्व हैं काम इन्वॉल्व है उस सब की सेफ्टी रेगुलेशन जो है वो गैप देखता है फाइन ये अप्रोच जो है ये इनिशिएटिव है जो एम करता है एट एनवायरमेंटल इकोनॉमिक एंड सोशल कंप्लायंस ऑन द फार्म एंड थ्रू द स्टेजेस ऑफ पोस्ट ट्रीटमेंट एंड प्रोसेसिंग जब आपने फूड ग्रो किया फिर उसकी ट्रीटमेंट हुई प्रोसेसिंग हुई उस सारे चीजों में जो है ये क्या देखता है कि एनवायरमेंटल इकोनॉमिकली एंड सोशली जो आपके जो फूड है वो एक आपको उसकी सेफ्टी की गारंटी मिल रही है कि नहीं फाइन तो हेल्थी फूड प्रोडक्शन हेल्थी प्रोडक्शन ऑफ फूड एंड अदर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है वो इसके जिम्मे है इसको हम गैप बोलते हैं गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इसमें आपको याद रख लेना किसका इनिशिएटिव है एफ ए का फ्रॉम फूड टू टेबल एंड इकोनॉमिक एनवायरमेंट एंड सोशल सारे कंप्लायंस जो है कम्पलाइंस करता है फिर आपका गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस इसमें आप क्या करते हो लेबोरेटरी सेटिंग में चीजें देखते हो फॉर एग्जाम्पल आपने कोई मेडिसिन बनाई अब आपको टेस्ट करनी है तो ह्यूमन ट्रायल से पहले उसके ह्यूमन टेस्टिंग से पहले आप लैब में उसको टेस्ट करते हो जैसे रैट्स वगैरह पर टेस्ट करते हैं ना केमिकल्स वगैरह जो भी कुछ नया अगर बना बनाया जाता है तो उसको हम नॉन क्लिनिकल हेल्थ बोलते हैं तो वो सारी चीजें वो किसके अंदर आती है गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस के अंदर तो ये आपके फार्मास्यूटिकल्स केमिकल्स पेस्टिसाइड्स एंड फूड एडिटर्स वगैरह सबसे रिलेटेड है एंड इसमें ओई जो है इसने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इसकी डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन के लिए ओई तो जी के साथ हमने क्या पढ़ा एफ एंड लेबोरेटरी प्रैक्टिस किसके uh, किसने काम किया उसके लिए काफी ओई ने दैट इज ए ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट फिर आगे आपका गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस ये वो सिस्टम है दैट इंश्योर्स

गुड हाइजीन आर सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स टू प्रिवेंट कंटेमिनेशन ऑफ फूड इन ऑर्डर टू प्रोवाइड सेफ फूड टू द कस्टमर्स सिंपल है तो ये फूड बॉन इलनेस वगैरह को क्या करता है उसको रोक सकता है ये रिकमेंड करता है एच बेस्ड पॉसिबल टू इन इनह एच बेस्ड मॉडल टू एनहस फूड सेफ्टी एज डिस्क्राइब इन द हिजार्ड एनालिस क्रिटिकल कंट्रोल सिस्टम जो हमने अभी पढ़ा तो ये जी एम जो आपका गुड हाइजीन प्रैक्टिस है ये क्या रिकमेंड करता है बेसिकली कि आप एच ए सीसीपी मॉडल जो है वो फॉलो करो वो एच ए सीसीपी मॉडल क्या होता है वो हमने आगे पीछे पढ़ लिया ठीक है फिर आगे आपका बेस्ट एक्वाकल्चर प्रैक्टिस एक्वाकल्चर जो है रिलेटेड टू ये एक्वा फार्मिंग है जिसमें हम एक्वाटिक एनिमल से फिश वगैरह उनकी ब्रीडिंग रेअरिंग वो इसका काम है ठीक है तो ये सर्टिफिकेशन जो है डेवलप की थी ग्लोबल एक्वाकल्चर अलायंस ने यह याद रख लेना प्रमोट करने के लिए एक्वाकल्चर प्रैक्टिस वर्ल्ड वाइड तो ये क्या करता है एनवायरमेंटल रिस्पांसिबिलिटी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फूड सेफ्टी एनिमल वेलफेयर एंड ट्रेसिबिलिटी से रिलेटेड है ठीक है रिगार्डिंग योर एक्वाकल्चर प्रोडक्शन ठीक आगे पहले हम वापस यहाँ पे एक बार चलते हैं थोड़ा क्विक रिविजन करते हैं इन चीजों का हमने क्या देखा हमने देखा जीएपी गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ये किससे रिलेटेड है आपके एफ से उसके अंडर ठीक है तो इसमें एग्रीकल्चर फ्रॉम फूड टू टेबल सारी चीजें आती है इंश्योर करना उनकी सेफ्टी एंड क्वालिटी कंट्रोल वगैरह तो इकोनॉमिक आपका एनवायरमेंट सोशल कंप्लाइस फॉलो हो रही है कि नहीं वो सारा ये देखता है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस ये रिलेटेड है आपके मैन्युफैक्चरिंग से कि वो फॉलो कर रहे हैं स्टैंडर्ड या नहीं गुड हाइजीन प्रैक्टिसज ये कहते हैं फॉलो करो एच मॉडल गुड स्टोरेज प्रैक्टिस ये आपके स्टोरेज से रिलेटेड है एंड गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस ये किससे हम इसके अंदर हमने कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी ओ ये क्या कहते हैं जो भी आप प्रोड्यूस करते हो फार्मास्यूटिकल केमिकल पेस्टिसाइड्स उनको नॉन क्लिनिकल सेटिंग्स में पहले चेक करो ठीक है ऐसे देखने में लग रहा है कि हमने बहुत कुछ पढ़ा ऐसे जब कोई क्लियर पॉइंट फॉर्म में इसको रिवाइज करोगे आपको समझ में आएगा उतना ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है और हमने बीएपी भी पढ़ा बीएपी क्या होता है आपका वो आपके एक्वाकल्चर से रिलेटेड है और उसके साथ कौन सी बॉडी आती है आपकी ग्लोबल एक्वाकल्चर अलायंस ठीक है ये हो गया आपका ये नेक्स्ट हम देखते हैं वॉलंट्री बेस्ड प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन तो कुछ वॉलंट्री स्कीम्स है जो क्या करती है एम क्वालिटी एंड सेफ्टी ऑफ फूड ये कुछ पांच छे हैं ये द, कम ही है दो चार हैं देख लेते हैं पहले आपका बी आई एस है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड आपने बी आई एस देखा होगा मार्क ठीक है ये इसका पावर कहाँ से आता है इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 2016 से ये क्या करता है ग्रांट करता है लाइसेंस मैन्युफैक्चरर्स को कवरिंग प्रैक्टिकली एवरी इंडस्ट्रियल डिसिप्लिन एग्रीकल्चर से लेकर टेक्सटाइल टू तो इलेक्ट्रॉनिक्स ठीक है हर ऑलमोस्ट जो मैन्युफैक्चरर है ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्रियल डिसिप्लिन का चाहे वो आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो टेक्सटाइल से या आपके इलेक्ट्रॉनिक्स से भी उनको ये ये मार्क देता है ठीक है ये किसके अंडर आता है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन इस मिनिस्ट्री के अंडर आता है एंड जो बी सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स हैं कस्टमर्स को ये पता होना चाहिए कि दे हैव बिन टेस्टेड एंड वेरीफाइड टू मीट द प्रेस्क्राइब स्टैंडर्ड्स और आप ये चीजें बी एस सर्टिफाइड चीजें जो है वो यूज है वो आराम से कर सकते हो तो जो आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंडस्ट्रीज होंगी वो जो प्रोडक्ट्स बनाएंगी उनका पहले बी आई एस मार्क चेक किया जाएगा अगर वो बी आई एस सर्टिफाइड है दैट मीन जो उनके मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स होंगे वो आप आपके लिए सेफ होंगे ठीक है यूज करने के लिए फिर एग मार्क जो है आपका यह है एग्रीकल्चर मार्केटिंग से ये सेटअप किया था डायरेक्टोरेट डायरेक्टोरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ठीक है ये इंश्योर करता है क्वालिटी एंड प्योरिटी ऑफ द फूड प्रोडक्ट्स तो ये जो क्वालिटी है ये किस किस चीज किस किस चीज से डिटर्मिन होती है विद रेफरेंस टू साइज वेराइटी वेट कलर मॉइस्चर फैट कंटेंट एक्सेट्रा एंड ये क्या करता है ये आपको क्वालिटी में अलग अलग ग्रेड्स देता है टू टू थ्री ग्रेड्स होती हैं हाई क्वालिटी से लेकर uh, मतलब हाई मिडिल टॉप क्वालिटी वाली लो uh, क्वालिटी वाली तो इसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं फार्मर्स को भी हेल्प करता है अपनी कमोडिटीज को जैसी ग्रेडिंग मिली होगी वैसे उनको बाद में प्राइस भी मिलता है अपनी कमोडिटी का ठीक है तो ये याद रख लेना किसके अंडर सेटअप हुआ था एंड करता क्या है मेनटेन करता है

आगे देखते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड अग्रीमेंट्स इन द एरिया ऑफ फूड स्टैंडर्डाइजेशन क्वालिटी कंट्रोल कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अग्रीमेंट्स देखते हैं इन चीजों को इन चीजों के रिलेटेड पहले आता है आपका कोडेक्स एलिमेंटेरियस ठीक है इसका बाद में हम इंडियन पार्ट भी देखेंगे ये बेसिकली क्या इंटरनेशनल बॉडी है कॉन्स्टिट्यूटेड बाई एफ एंड डब्ल्यू ठीक है ये क्या करता है प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑफ कस्टमर्स टू इंश्योर फेयर प्रैक्टिस इन एक तो हेल्थ ऑफ कस्टमर्स प्रोटेक्ट करता है और इंश्योर करता है फेयर प्रैक्टिस इन फूड ट्रेड ठीक है तो जो भी प्रैक्टिस होती है फूड ट्रेड में वो सही से हो रही है कि नहीं वो सारा काम है इसका देखने का तो ये प्रेस्क्राइब करता है कुछ स्टैंडर्ड फॉर द सेफ्टी एंड क्वालिटी ऑफ द फूड एज वेल एज कुछ कोर्स फॉर द गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस तो हमारा काम है क्योंकि सेफ्टी हमें पढ़ना था हाइजीन हमें पढ़ना था तो हमारे भी रिलेटेड है डायरेक्टली हमारे सिलेबस के तो कोडेक्स जो है प्रेसक्राइब करता है कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेफ्टी एंड क्वालिटी ऑफ फूड के कोडेक्स स्टैंडर्ड हमें मिलते हैं फ्रूट्स वेजिटेबल्स मीट्स पोल्ट्री प्रोडक्ट्स पालस एंड सीरियल्स में फिर हमारे पास कोडेक्स इंडिया भी है जो क्या करता है जो uh, पहले से ये देख लेते हैं द नेशनल कोडेक्स कॉन्टैक्ट पॉइंट फॉर इंडिया इज लोकेटेड एट द डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज एंड आता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर तो बेसिकली क्या करता है प्रमोट करता है कोडेक्स एक्टिविटीज को थ्रू आउट इंडिया एंड बेसिकली एक लिंक प्रोवाइड करता है जो आपका ग्लोबल कोडेक्स है और इंडिया कोडेक्स है उसके बीच में ठीक है एक आप बोल सकते हो जो मीडिएटर uh, भी एक्ट करता है ये कोऑर्डिनेट करता है प्रमोट करता है कोडेक्स एक्टिविटीज इन इंडियन एसोसिएशन विद द नेशनल कोडेक्स कमेटी और फैसिलिटेट करता है जो भी इंडिया का इनपुट है टू द वर्क ऑफ कोडेक्स जो भी इंडिया करता है कोडेक्स में जो भी काम उसको ये जो है ओवरलुक करता है सुपरवाइज करता है तो कोडेक्स अगर एग्जाम में आ जाए किससे रिलेटेड है ये आपका एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल बॉडी है जो कॉन्स्टिट्यूट की थी एफ एब्ल्यू एच ओ ने जो रिलेटेड है टू द टू प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑफ कस्टमर्स और इंश्योर करने के लिए फेयर प्रैक्टिसेस इन फूड ट्रेड आई एस ओ देख लो द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइज स्टैंडर्डाइजेशन आई एसओ वर्ल्ड वाइड फेडरेशन है ऑफ नेशनल स्टैंडर्ड बॉडीज फ्रॉम मोर देन वन सिक्सटी फोर कंट्रीज दैट मीन सिक्सटी फोर कंट्रीज की नेशनल बॉडीज हर कंट्री की एक बॉडी जो है वो एक ग्रुप बनाती है जिसको हम बोलते हैं आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन दट इज यू आएसओ ये डेवलप करते हैं पब्लिश करता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो कवर करते हैं वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज एंड सेक्टर्स तो उनके लिए स्टैंडर्ड वगैरह पब्लिश करता है डेवलप करता है क्या होने चाहिए अलग अलग चीजों के लिए ठीक है और इसमें काफी ज्यादा जो है इंडस्ट्रीज एंड सेक्टर्स आते हैं तो आई एस ओ नाइन ट्रिपल जीरो एंड आई एस ओ फोर्टीन ट्रिपल जीरो जो है ये काफी इंपॉर्टेंट आई एसओज है मोस्ट वाइडली नोन एंड सक्सेसफुल स्टैंडर्ड्स ओवर तो आई एस ओ नाइन थाउजेंड जो है ये आपका क्वालिटी मैनेजमेंट से रिलेटेड है एंड फोर्टीन थाउजेंड जो है ये आपका एनवायरमेंटल मैनेजमेंट से रिलेटेड है तो ये इस पर नहीं लिखा है पता नहीं क्यों नहीं लिखा है तो ये आप खुद से ऐड कर लेना ठीक है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ये क्या है ये यू एन की बॉडी है वाज फाउंडेड 1945 इसका मैंडेट क्या है ये रेज करता है लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग इंप्रूव करने के लिए एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड टू बेटर द कंडीशन ऑफ रूरल पॉपुलेशन तो ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन है क्योंकि आपके फूड के आपको यूनिट ही पूरा फूड के रिलेटेड है तो हो सकता है ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन आपको पूछ लें बस वी आर अबाउट टू वाइंड अप दिस चैप्टर डब्ल्यू एच ओ जो है द यूनाइटेड नेशन स्पेश हुई थी सेवंथ अप्रिल नाइनटीन फोर्टी एट में इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है अटेनमेंट ऑफ ऑल अटेनमेंट बाई ऑल पीपल ऑफ़ द हाइस्ट पॉसिबल ऑफ लेवल हेल्थ और हेल्थ में इसने क्या क्या बोला है फिजिकल मेंटल एंड सोशल सारी हेल्थ आती है फिर एक और बॉडी है आपकी जेई सी एफ ए दैट इज ए ज्वाइंट एफ ए डब्ल्यू एच ओ एक्सपर्ट कमेटी ऑन फूड एडिटर्स तो जेई सी एफ ए किसके रिलेटेड है आपके फूड एडिटर्स के ठीक है ये क्या करता है कलेक्ट डेटा ऑन फूडिटर्स एंड रिकमेंडेशन करता है याद रख लेना जरूरी. ये है ये इसका पार्ट नहीं है लेकिन साइंटिफिक एडवाइजरी बॉडी है इतना याद रख लेना फिर एक कुछ लास्ट में डेटा इंपॉर्टेंट डेटा है एक इंडेक्स आता है फूड सेफ्टी इंडेक्स ठीक है जो रिलीज करती है एफ एस एस से ठीक है ये स्टेट वाइज आता है फूड सेफ्टी इंडेक्स और इसके बेसिस पे हम बोलते हैं सेफ्टी जो है सेफली काम कहाँ पे फूड के रिलेटेड हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हम स्टेट्स को डिफरेंट रैंक देते हैं ये क्या करता है शेड करता है परफॉर्मेंस ऑन दी इंडियन स्टेट्स इन इंश्योरिंग फूड सेफ्टी ये स्टार्ट हुआ था टू थाउजेंड में और कौन पब्लिश करता है एफ ठीक है इसमें अब आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है देखना क्यों मैंने इसमें इंक्लूड किया क्योंकि इसमें यूनियन टेरिटरीज जो है उस कैटेगरी में जम्मू एंड कश्मीर हमारी जो है वो रैंक वन पे है इन टर्म्स ऑफ फूड सेफ्टी तो इसीलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है देखना और अगर आप देखोगे ये एक्चुअली जो है इसके अलग अलग पैरामीटर्स में ये डिक्लाइन हो रहा है ये वैसा नहीं है फूड सेफ्टी जो है उसके अकॉर्डिंग इंडिया में काफी ये आ रहा है लेवल जो है हमारी वो नीचे जा रही है लेकिन अब हम ट्वेंटी ट्वेंटी टू ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री का डेटा उठा के देखें तो उसमें जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरीज में उसने टॉप किया है तो हमारे लिए देखना इंपॉर्टेंट है इसमें और एक चीज आप याद रख लेना जो तो भी पैरामीटर्स है जिसपे वेट अलग अलग पैरामीटर्स को अलग वेट दिया जाता है जिसपे फिर रैंकिंग डिसाइड होती है जैसे कंप्लायंस कितना है एम्पावरमेंट कितना है या आपका फूड टेस्टिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है ऐसे ऐसे अलग अलग पैरामीटर्स हैं हमारे पास पांच छे उसमें ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में इन्होंने एक, एक एक्स्ट्रा पैरामीटर एड किया है इम्प्रूवमेंट इन एस एफ एस आई रैंक ये ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में एड किया गया था इम्प्रूवमेंट इन एस एफ एस आई रैंक ठीक है ये पैरामीटर 2023 में ऐड किया गया था तो ये याद रख लेना तो इसमें ये याद ना, जे एंड के जो है आपका फूड सेफ्टी में रैंक वन पे आता है तो यहाँ कंप्लीट होता है ये चैप्टर मैंने अलग अलग डायमेंशन से कवर करने की कोशिश की जहाँ आपका इसका बेसिक पार्ट भी हो जाए और आपका जो इसमें थोड़ा सा टेक्निकल कॉम्पोनेंट है वो भी टेक्निकल आस्पेक्ट है इसका वो भी कवर हो जाए अलग अलग डायमेंशन से आप इस टॉपिक को कवर कर पाओ अगर इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से तो वो ऐसा अगर बेसिक क्वेश्चन होगा वो आप कॉमन सेंस से सॉल्व कर लोगे ठीक है तो यहाँ पे आपका स्पेशलाइजेशन कंप्लीट होता है नेक्स्ट अब कुछ दिनों का ब्रेक ले लो उस ब्रेक में आप थोड़ा रिवाइज करो और मैं फिर मैराथन सीरीज जल्दी लेके आऊंगी ठीक है टिल द टाइम आप लोग नेक्स्ट सीरीज और आई टेक हैव अ ग्रेट डे